हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 60 है नेट टू जेड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 60 वर्ड प्रति मिनट से यह डिक्टेशन देखेंगे। अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आए तो आप डिक्टेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। आदमी को इस बात का बड़ा गुमान है कि वह संसार के सभी जीवों से अधिक चेतना संपन्न और जागृत प्राणी है। वह जड़ वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है, उन पर शासन करता है और उनसे सुख उठाता है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि जड़ वस्तुओं में भी एक सुप्त चेतना होती है, उनकी भी एक उम्र होती है, समय के साथ वे भी धीरे धीरे नष्ट होते हैं। पदार्थ में अणुओं का नित्य चलता है, इसके थमते ही पदार्थ नष्ट हो जाता है। यह जड़ता भी बड़े काम की चीज है। मन की ऊंचाई में यह समाधि बन जाती है। कोई भी बड़ा दुख हमें एकाग्र कर देता है, हमारा सारा ध्यान उसी पर चला जाता है। यह दुख हमें ऐसा घेरता है कि हम किसी अन्य चीज के बारे में सोचना और सुनना भी पसंद नहीं करते। हमारे शास्त्रों में परमात्मा को भी परम निष्पंद कहा गया है। तभी तो ईश्वर दीर्घकाल के लिए समाधि में चले जाते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर और उनके अवतारों की मूर्तियां पत्थरों से बनती हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी को भी जड़ कहा गया है, जबकि अपनी धुरी पर यह गतिमान है। भीतर भीतर सभी पदार्थ यात्रा करते हैं। यह हमारी कमी है कि हम उनकी छिपी चेतना को समझ नहीं पाते। संसार में कोई भी दुख हमें अस्तभ्य और सहसा जड़ बना देता है। लोगों को काठ मार जाता है तो दुनिया के अरबों लोगों की पीड़ा और प्रार्थनाओं को सुनते सुनते ईश्वर की जड़ता की कल्पना सहज
की जा सकती है। इस पृथ्वी में बड़ा गुरुत्वाकर्षण है जो पेड़ के फल को ही नहीं खींचता, बल्कि समय समय पर ईश्वर को भी अवतार लेकर मनुष्य बनने के लिए बाध्य कर देता है।